फैंस की मोस्ट अवेटेड फिल्म का टीजर अब सामने आ चुका है। जी हाँ, वो फिल्म है कलंक, जिसका इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे थे। ऐसे में हाल ही में जहां पर इस फिल्म का टीजर सामने आया, तो इस टीजर में तमाम तरह के बॉलीवुड के कलाकारों को देखा गया और हर एक कलाकार अपनी कहानी यहां पर जतलाता दिखा। यहां पर आलिया भट्ट देखी गई, आदित्य रॉय कपूर दिखाई दिए, माधुरी दीक्षित दिखाई दी, संजय दत्त दिखाई दिए और वरुण धवन भी। 20 साल के बाद एक साथ माधुरी और संजय का इस फिल्म में काम करना पहले ही ये चर्चा का कारण बना हुआ था। और ऐसे में जहां पर फाइनली इस फिल्म का टीजर आउट हो चुका है, तो टीजर में भी कहीं ना कहीं ये कहानी जो है अपने आप की ओर खींच रही है। यकीनन आपने ये टीजर देखा होगा और आप भी यहां पर इस फिल्म को लेकर काफी सुपर एक्साइटेड हो गए होंगे, क्योंकि ये फिल्म की कहानी क्या होगी अब हर एक शख्स जानना चाहता है। आपको बता दें कि जहां पर टीजर आउट हो चुका है, तो ऐसे में पूरी स्टार कास्ट को देखा गया, जहां पर माधुरी को लेकर संजय दत्त ने अपनी चुप्पी को तोड़ा। 20 साल का समय काफी लंबा समय होता है और 20 साल के बाद संजय ने माधुरी को लेकर बातों का जिक्र किया। जब उनसे मीडिया ने सवाल किया कि जब आपने इस फिल्म में कलंक में काम किया और आपके साथ माधुरी थी, तब आपको किस तरह का एक्सपीरियंस लगा, पहले तो माधुरी का नाम सुनते ही यहाँ पर संजय दत्त शर्म से लाल हो गए और उसके बाद उन्होंने कहा कि माधुरी के साथ काम करना उनके लिए काफी बेहतर एक्सपीरियंस रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ पर माधुरी ने भी कहा कि अपने पुराने को स्टार्स के साथ फिल्मों में काम करने का एक्सपीरियंस उनका लाजवाब रहा। अनिल कपूर के साथ उन्होंने काम किया, वो काफी ही बढ़िया रहा, और अब संजय के साथ। बाकी ये कहना भी गलत नहीं होगा, जब ये फिल्म 17 अप्रैल को बड़े पर्दे पर देखी जाएगी तब ये धमाल मचाएगी। नेक्स्ट टाइम न्यूज रूम की रिपोर्ट।